श्री नरेश अग्रवाल जी, माननीय सभापति जी, दोनों हमारे काबिल वकीलों ने, एक हमसे बड़े एक हमसे छोटे हैं, यानी कपिल सिब्बल जी ने बातों को रखा, भाई भूपेंद्र भाई ने भी बातों को रखा, हम असहमत नहीं दोनों से करेंगे, लेकिन विचारों में मतभेद कहीं ना कहीं है। कपिल भाई ने जो रखा मैं पूर्ण सहमत देता हूं, और भूपेंद्र भाई ने जो तर्क दिए उसमें मैं अपने भी तर्क रखना चाहता हूं कि कम से कम उन तर्कों का मैं अपने तर्कों के आधार पर कितने असत्य हैं कितने गलत हैं उनको मैं इस सदन के माध्यम से जनता के बीच रख सकूं। हमारे काबिल पूर्व प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैंने उस दिन भी जब बजट भाषण पे अपनी बात रखी थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने सदन में कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि जीडीपी 2% गिरेगी, ये बात उस समय भी सबने गंभीरता से ली थी और मैं आज भी गंभीरता से कहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी चले गए, वित्त राज्य मंत्री जी बैठे, कि आंकड़े अगर सत्य देंगे तो शायद जनता के बीच आपकी नीतियां सही रूप से पहुंचेंगी। खाली योजनाओं का, मैंने बहुत इतने साल की राजनीति में योजनाओं के नाम बहुत सुने, योजनाओं के स्वरूप को बहुत सुना, धनों का आवंटन भी सुना, लेकिन योजनाओं का रिजल्ट जनता पे या धरती पर कैसे मिला इस पे अगर हमने चिंतन किया होता तो शायद सही चीज, सही तथ्य और सही जानकारी हमारे सामने आती। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी कि जीडीपी में 2% गिरावट आएगी, आपने 8% से ऊपर जीडीपी का वादा किया था, आप 7.4% की आज बात करते हैं, और अगर 2% मनमोहन सिंह जी ने कहा है तो अगर देश की जीडीपी 8 से 6% पे आ गई तो क्या देश की हालत होगी, क्या सही स्थिति हमारे सामने होगी, आखिर इसका भी तो हम आकलन कर लें। ये ठीक है हमारी भाषा बदलती है, जब नेता सदन नेता प्रतिपक्ष थे मैं उनके विचारों को सुनता था, बिल्कुल आज के विचारों से अलग थे। भूपेंद्र भाई आप भी जब उधर बैठते थे तब आप हमारे विचारों से सहमत थे, हो सकता आज असहमत ना हो, मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में सत्यता पर तो हमें चलने पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि पहली देश की सरकार आई जो जनता को समझाने में सफल हो गई। इस देश में आज तक जितनी सरकारें आई हैं सबने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन ये पहली सरकार आई है जिसने अमीरी हटाओ का नारा दिया। गरीबी सब हटाने की बात करते, कपिल भाई ने फिगर दी कि इनकम टैक्स के रिटर्न की फिगर क्यों नहीं आपकी बढ़ती, देश में केवल 67 लाख लोग, सिर्फ 125 करोड़ आबादी में अगर मात्र 67% लोग इनकम टैक्स दे रहे तो क्या कारण है हम इतने सालों से क्यों नहीं उनकी फिगर बढ़ा पा रहे। हमें सबको इस पर चिंता है कि इतनी बड़ी आबादी का देश, आज जितने डेवलपिंग कंट्री हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या 10% से मिनिमम 10%, लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कि हम 2-3% से ऊपर अपने इनकम टैक्स देने वालों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे। वेतन भोगियों की संख्या जोड़ लीजिए तो बढ़ जाएगी, लेकिन वेतन भोगियों की संख्या हमें इनकम टैक्स में नहीं लानी चाहिए, वो तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स कैलेंडर में आते हैं 61 लाख। तो हम कैसे बढ़ाएंगे इनकम टैक्स ये खाली कह देने से, और मुझे वित्त मंत्री जी के भाषण पे बहुत दुख हुआ कि हम सदन के माध्यम से देश की जनता को चोर कहें, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहें कि इस देश में लोगों की आदत टैक्स बचाने की है, टैक्स चुराने की है, इनकम टैक्स न देने की है। मैं इन बातों को बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। हम क्या उपाय करें, अब देश में कितनी गरीबों की संख्या है ये हम आज तक नहीं तय कर पाए। प्लानिंग कमीशन 4 कमीशन में ठाल चुका है,
लेकिन आज भी हमें नहीं मालूम हमारे देश में गरीबों की संख्या क्या है, गरीब की परिभाषा क्या है, हम कैसे गरीबी दूर करेंगे। अमीरी हटाओगे तो इनकम टैक्स और गिरेगा, और मैं तो दुर्भाग्य में तो तुम्हारे बहुत व्यापारियों की पैरवी नहीं करता हूं कि नोटबंदी में जो सबसे ज्यादा गाली सरकार को दे रहे थे उनके भी वोट बीजेपी में निकल गए। सुनारों ने 42 दिन हड़ताल करी, अब हम लोगों ने ईवीएम को इसी मारे दोषी ठहराया। हम लोगों ने ईवीएम को, भाई सतीश जी बैठे, उन्होंने उठाया था, हमारा शक इसी मारे ईवीएम पे हुआ कि जहां गरीब रहते थे वहां भी आप जीतते, जहां अमीर रहते थे वहां भी आप जीतते। दिल का दर्द बहुत है। तो आखिर क्या कारण था, जब उनसे पूछो कहते हम तो भाजपा के खिलाफ वोट देके, लेकिन वोट तो उनके पक्ष में निकला। तो मैंने इसी पर शक किया ईवीएम पर, और मैंने इसी मारे बहुत पैर भी करना बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जीन लिए, जीत को मदमस्त मत होइए, जीत में इसको देश का मैंडेट मत समझ लीजिएगा। मैंने 84 में राजीव जी को 400 कुछ सीटें जीतते देखा इस देश में, कांग्रेस उस समय 400 कुछ वोटर सीटें जीत के आई थी, 412। लेकिन 5 साल बाद क्या हश हुआ था, बीजेपी को 2 सीटों पे हमने लोकसभा में देखा था, अटल जी को भी हारते हमने देखा इस देश में, दिल्ली में। लेकिन आज ठीक है, आप मदमस्त हैं, लेकिन मदमस्त का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में कहीं ना कहीं अहंकारमय हो जाइए। आर्टिकल 110 की आपने बात करी, हम लोगों ने हरदम मनी बिल पे भी बात किया, हमारा हरदम कहना था कि काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 109 में हमको सीमित कर दिया गया, आर्टिकल 110 में स्पीकर को पावर दे दी गई कि मनी बिल कौन होगा, लेकिन 110 में जो कंडीशन लगाई गई, क्या ये मनी बिल उस कंडीशन के अंतर्गत आता है? आप ट्रिब्यूनल्स को चेंज कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स की एज चेंज कर रहे हैं, आप किसको ट्रिब्यूनल को कहां ले जाएं, आप तमाम एक्ट चेंज कर दे रहे हैं, फिर हमारी कमेटी होने से क्या फायदा? स्टैंडिंग कमेटी काहे के लिए बनाई गई थी? आप फाइनेंस बिल में सब कुछ अगर रख के चेंज करने के बात करेंगे और हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम चिंतित हो गए, कहीं ना कहीं तो हम विरोध करेंगे। आप बहुत अभी कह रहे थे कि फाइनेंस बिल इसी मारे बनाया गया, इस सदन को अधिकार नहीं है, हम फाइनेंस बिल पे सिर्फ बहस कर सकते हैं, अगर हम अमेंडमेंट ले गए तो फिर लोअर हाउस में चले जाएंगे, लोअर हाउस स्वीकार करे ना स्वीकार करे अंतिम मान लिया जाएगा, दोबारा हमारे पास आएगा नहीं। लेकिन हमने हर वक्त ये बात कही, कर क्यों नहीं एक अमेंडमेंट लाते, अगर आप वाकई में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाए कि फाइनेंस मैटर पे भी राज्यसभा को उतनी पावर होगी जितनी अन्य मैटर पे है, तो शायद उस सदन के बहुमत के आधार पर आप अपनी सोच में बदलाव कहीं ना कहीं लाएंगे, अन्यथा 109-10 का आप उपयोग करके हो सकता है आप उसका फायदा उठा ले। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, इससे संविधान की बहुत रक्षा नहीं हो पाएगी, और संविधान की आड़ में आप अगर इस सदन के बहुमत कम होने से बचना चाहते हैं तो ये प्रजातंत्र में बहुत अच्छा नहीं है। श्रीमान, बजट आए हुए कितने दिन हुए, 40 संशोधन आपने पेश कर दिए, मैं तो देख रहा था ट्रिब्यूनल कितने हैं, आप 8 ट्रिब्यूनल को चेंज कर रहे हैं और 17 एक्ट को चेंज कर रहे हैं, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी भी है, मिलिट्री का भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सारे एक्ट आप फाइनेंस बिल में लाके करके चेंज कर दे रहे हैं। क्या जरूरत है ट्रिब्यूनल्स में आप रिटायर्ड जजों को रखेंगे? सरफेसी पे आपने डिस्कशन करा, लेकिन क्यों हम रिटायर 70 साल तक, मानव अधिकार में आजीवन, कोई एज का है ही नहीं, हमने क्या उन्हीं को नौकरी देने का ठेका ले रखा है? क्या हमारे देश में उन क्षेत्र के योग्य वक्त है ही नहीं? एक दुर्भाग्य हो गया कि हमने आईएएस और जुडिशरी को सर्वोच्च मान लिया और सारे पद उन्हीं के लिए हमने कर लिए,
संवैधानिक ब्यूरो ने बना दिया, इलेक्शन कमीशन हो, फला कमीशन हो, और जब उनको हमने वहां बैठा दिया तो उनका डंडा हम ही पे चलने लगा एक तरफ से। तो क्यों, मैं कहता हूं देश में एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता। बहुत से तो देशों में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, आईएएस नहीं होते। तो हिंदुस्तान में अंग्रेज कानून बनाए गए थे, वो आईसीएस को बदल के हमने आईएएस कर दिया और उनके कानून के तहत चलने। आज आईएएस ने सारे डायरेक्टरेट खत्म कर दिए, डायरेक्टर्स की कोई पावर ही नहीं रहेगी, सब सेक्रेटरी की पावर हो गई। एक्सपर्ट को हमने खत्म कर दिया एक तरीके से। तो क्यों नहीं, हम अगर कंट्री में बदलाव चाहते हैं, आपकी बहुमत सरकार है तो बदलाव भी आगे आइए, हम सब तैयार हैं। अब देश के और जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अन्य क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, इनको ट्रिब्यूनल से बैठा लिए, इनको आयोग में बैठा लिए, तो कम से कम सुधार आएगा कि नई चीज तो आएगी। नहीं तो कहां पर से आप नई चीज लाएंगे। 40 संशोधन आप ले आए, हमें तो लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी या सरकार के बीच मतभेद है, तभी तो इतने संशोधन आ गए। अगर नहीं होता तो क्यों संशोधन लाते। एक बार में आप लाए हैं तो एक बार में जब बजट लाए तो उसके साथ ही आप सब ले आते हैं। या तो आपकी नीयत दूसरी है या आपकी सोच दूसरी, मैं नहीं कह सकता कि क्या है। आपने कहा कि हम 3 लाख रुपए नकद लेन देन पे बजट में कहा, उसको घटा के आपने 2 लाख कर दिया और कह दिया कि अगर पकड़े गए तो उतना जुर्माना भी लगेगा। हमारे देश में आज भी आपने पैन तमाम अनिवार्य किया, उस पर आधार कार्ड भी लगा दिया, हमारे देश में नकद लेन देन की व्यवस्था से सस्ते था गांव में। आज गांव का गरीब भी जब दुकान पे अपनी बेटी की शादी के लिए सामान लेने जाता है, बेटे की शादी के लिए सामान लेने जाता है, चांदी के गहने खरीदे चाहे सोने के गहने खरीदे चाहे और चीज खरीदे, वो पेमेंट तो नकद ही करता है। आप भी भूपेंद्र भाई राजस्थान के हैं, कितने राजस्थान में अमीर है, कितने राजस्थान में गांव के रहने वाले भाई चेक पेमेंट कर रहे हैं, कितने पैन के आधार पर पेमेंट कर रहे हैं। आप जो डिजिटल इंडिया की बात करने लगते हैं तो वो डिजिटल इंडिया कब संभव, जब आप एजुकेशन 100% कर दीजिए, लोगों में चेतना बढ़ा दी। अगर एजुकेशन 100% कर दे तो आबादी की समस्या भी हमारे सामने से खड़ी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप जानबूझ के 3 लाख को 2 लाख इसलिए कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम प्लास्टिक मनी पर जाएंगे, लेकिन इससे समस्या और। आप तो व्यापारी को चोर बनाने के लिए आप कह ही रहे हैं कि तुम गलत काम करो, 3 लाख की जगह 2 लाख और 1 लाख के 2 बिल काट दो, एक पति के नाम काट दो, पत्नी के नाम काट दो, 3 लाख नकद हो गया भुगतान एक घर से। तो आप तो खुद ही कहीं इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप पहले देश के सामाजिक ढांचे को तो सुधारिए, देश के सामाजिक सोच को तो सुधारिए, देश की परिस्थिति को तो ठीक करिए, उसके बाद आप डिजिटल इंडिया की बात करिए। या आप सोचते हैं हम डिजिटल इंडिया के नाम पर अभी स्वीप कर गए हैं, ऐसा नहीं है। इसका तो 5 साल बाद 2 साल बाद चुनाव आएगा। आपने उत्तर प्रदेश में तो अपना एजेंडा अभी से कह दिया, आपने हमारे स्वामी जी को बैठालकर, अब तो बड़ी खुशी हो लगी कम से कम साधु संत भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते, पहली बार हुआ है तो रास्ता खुल गया है, एक रास्ता खुल गया। बनारस में एक साधु जी है, एक मंदिर बहुत चलता, वो किसी से कह रहे थे अब हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे, जब स्वामी जी मुख्यमंत्री हो सकते तो हम मेयर क्यों नहीं हो सकते। अब तो तमाम मठों के मठाधीश निकल पड़ेंगे कि ये सारे पद तो हम लोगों को हैं, यहाँ वही दिखेंगे। अब थोड़े दिन में हो सकता है यहाँ भी वही दिखे, मजबूरी हो, ज्यादा नहीं निकले, कुछ इम्पोर्टेंट मठाधीश तो जेलों में है, निकल कहाँ से आए। अच्छा, वो भी आ जाएंगे, साधु महात्मा बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें सब आशीर्वाद। जैसे कोई महात्मा किसी घर में आता है तो हम लोग की आदत पड़ गई, नहीं जानते महात्मा के क्या क्या कर्म है, हम सब चरणबद्ध हो जाते हैं। और कहीं माइक पकड़ा दिया जाए तो हम उनको इतना बड़ा साधु संत बताने लगते हैं कि उनके विचारों से देश को बहुत लाभ मिलेगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन अगर ये सोच लोगों की बन गई कि हम मेयर बन सकते हैं, अगर पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं डाला गया, अगर पॉलिटिकल सोच के लोग पॉलिटिकल सिस्टम से दूर होते चले गए, तो बहुत दिन तक सांप्रदायिक के आधार पर सत्ता को जीवित नहीं रखा जा सकता। हमने बहुत लोगों को सत्ता में सांप्रदायिक आधार पर आते देखा है।
लेकिन जाते भी हमने बहुत जल्दी देखा है। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों पर आप बहुत ध्यान दें। कंपनी ला के लिए, जब कंपनी ला के अमेंडमेंट आए थे तो यहां पे ये डिक्लेयर हुआ था कि कंपनी ला के लिए कमेटी बना देंगे, उसमें जो भी सुझाव आएंगे 3 महीने के अंदर उन सुझावों पर विचार करके कंपनी ला के अमेंडमेंट जो होगा उस अमेंडमेंट के साथ कंपनी ला को हम इस सदन में लाएंगे। आज साल भर से ऊपर हो गया, कितने अमेंडमेंट आए कंपनी ला में सुधार के लिए, क्यों नहीं उस अमेंडमेंट को इस सदन में रखा गया अमेंडमेंट के साथ कंपनी ला को? क्या कंपनी ला में कमजोरी थी? कपिल भाई ने बताया क्या तमाम कंपनी में क्या आपने नियम बना दिए, क्या अमेंडमेंट कर दिए? इनकम टैक्स में आप सारी पावर इनकम टैक्स के अधिकारियों को देते चले जा रहे हैं। चाहे जिसका घर रेड कर दे, चाहे जिसका घर सीज कर दे, चाहे जिसके अकाउंट सीज कर दे, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप दे रहे हैं। कमाई बढ़ा दिया, कमाई बढ़ा दिया। एक पता नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो चला है, हमने समझिए रोमियो वर्ड कहां से आया, रोम से आया क्या? पहले तो कांग्रेस में रोम का आरोप लगाया जाता था, शेक्सपियर ने लिखा था ना? अच्छा, शेक्सपियर ने लिखा था। हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड, हम समझ नहीं पाए क्या हो गया एंटी रोमियो। अब तो भाई बहन साथ जा रहे तो रोमियो में, चाचा भतीजी जा रहे तो रोमियो में। एक सही मैं मिसाल पे बता सकता हूँ, परसों कानपुर में जो हुआ, सारे अखबारों में छपा है, कहां भाई बहन, कहां क्या? आखिर क्या है इस देश में? जब एक देश 21वीं सदी की तरफ, हम लड़के लड़की पे शक करने लगे, हम प्रेम पे भी कानून बनाने लगे, जिस देश में प्रेम पे कानून बनने लगेगा वो देश आधुनिकता से नहीं आगे बढ़ पाएगा। वो छोड़िए 10वीं सदी की सोच, राधा कृष्ण का क्या होता? अब इन्होंने तो राधा को अलग कर दिया, कृष्णी को ले लिया राधा। तो एक जो मैंने कहा, ये तो मैंने ऐसे कह दिया, आपने पॉलिटिकल चंदा की बात करी, बड़ा जोर जोर से कह दिया कि 2000 से ऊपर नगद नहीं लिया जाएगा। आप पॉलिटिकल बॉन्ड ले आए, हम लोग तो विपक्ष में, अब हमको कौन चंदा देगा? आपने चंदा देने वालों को इतनी बड़ी, आपने उनको दूसरी रास्ता बता दी कि आप बॉन्ड खरीद लीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाए, तो आईएसडी स्कीम हो गई, वो डिस्क्लोजर आईडीएस स्कीम, कि आप बॉन्ड खरीद लीजिए और बॉन्ड में आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी को चाहे जितना बॉन्ड दे दीजिए। तो बॉन्ड तो आपको मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, इनको भी क्या मिलेंगे? आज तो जो चुनाव में आपने खर्च किया है, आपने तो अपने कैंडिडेट को 28 लाख की सीमा पर 1-1 करोड़ रुपए दिया। सारा मीडिया, आज मैं तो कह रहा हूं, मीडिया की बात कपिल भाई ने उठाई, जो मैं भी कहता हूं, बेचारे मीडिया वाले बैठे हैं, इनके मालिक कितना शोषण इनका कर रहे हैं। कुछ चैनल तो ठेके पर दिए जा रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए साल हमको दो, चैनल में जिसे चाहे उसको दिखाओ। जानते आप भी हैं, जानते हम भी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये मीडिया वाले, इनकी आवाज आपने दबा दी। आप मालिकों से आपने मीडिया के साठगांठ कर लिया, उनकी टाइमिंग आपने परचेस कर ली, आपने जितना चैनल है उस पर सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, आपके नेता दिखाई देंगे, विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखाई देगा। मन की बात, ये अपनी आवाज इंडिपेंडेंट लिखना चाहे तो अपनी आवाज नहीं लिख सकते। हम लोग जब बाहर कहते तो कहते हैं मैं क्या करूं, ऊपर से ये आदेश है। इनके वेजेस का क्या होगा? एलो जर्नलिज्म की बात होती है, जो जिले में इनके संवाददाता नियुक्त है वो बेचारे सुबह से शाम तक आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उनको बेचारों कहा जाता है एक स्टोरी के, आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 दिए जाएंगे। उनसे पूछिए, सुबह शाम तक घूम रहे हैं, अपना परिवार कहाँ चलाएंगे, तो कराएंगे कैसे? एलो जर्नलिस्ट से चलाएंगे? तो क्यों नहीं आप इस अपने फाइनेंस बिल में मीडिया के इन लोगों की बचत के लिए कोई लिया होते? ये जो यहां संवाददाता बैठे, वहां बैठे, जो सुबह 8 बजे से पार्लियामेंट में आ जाते, रात को 8 बजे तक पार्लियामेंट से निकलते, जिनके ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है, जिनकी स्टोरी पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनको परमानेंट करने के लिए उनके लिए आप कुछ नहीं लाएंगे? 7 रुपए कमीशन आपने लागू कर दिया। नरेश जी, समय
अब इसमें सीमा न रखिए, 5 के 6 घंटे हो जाएंगे, लेकिन मैं सब इम्पोर्टेंट बातों को उठा रहा हूँ। सेवेंथ पे कमीशन आपने लागू कर दिया। कल मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे बैठा था, मुझको एक मिलिट्री के कर्नल मिले, उन्होंने कहा नरेश जी आपको टीवी पे मैं बहुत सुनता हूँ, आप कम से कम पार्लियामेंट में इस बात को उठा दीजिए कि सेना में सेवेंथ पे कमीशन क्यों नहीं लागू हुआ। मैं तो सरप्राइज कर गया, मैंने कहा नहीं मुझे तो मालूम था कि लागू हो गया। कल सेना में नहीं लागू हुआ, हमारी कमेटी बना दी गई, वो कमेटी निरंतर विचार कर रही है। जो देश के लिए जान दे रहे हैं, जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप डिफेंस के एक्ट को चेंज करने के लायक हैं, उन देश के उन लोगों को जो रोज शहीद हो रहे हैं उनको सेवेंथ पे कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक, हम लोगों को तो कोई पे कमीशन ना मिले क्योंकि हम लोग बेईमान हैं, चोर हैं, हमारी आमदनी बहुत ज्यादा है, हम कमीशन खो रहे हैं। देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो नेता है, कोई बात हो जाए तो नेता पे सारा मीडिया शुरू हो जाएगा, अगर मीडिया ने दिखा दिया तो जज भी कन्विक्ट कर देगा, वो आप लोग तो कन्विक्ट कर ही रहे हैं हम लोगों को। लेकिन उन नौजवानों को, उन मिलिट्री वालों को जिनको सेवेंथ पे कमीशन नहीं मिला, आखिर उनको कैसे सेवेंथ पे कमीशन मिलेगा? माननीय राज्य मंत्री जी, आप सदन में फाइनेंस बिल जब पास कराइए तो कम से कम उनको सेवेंथ पे कमीशन की ही घोषणा कर दीजिए। मैं समझूंगा देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं, कम से कम उनको इस फाइनेंस बिल से कुछ मिला न दीजिए, हम लोगों को न दीजिए आप किसी को। लेकिन वो बेचारे जो अपने घर से हजारों किलोमीटर -20 -30 डिग्री में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो 6 महीने रहने के बाद वहां पोस्ट नहीं रह सकते क्योंकि वहां की स्थिति ऐसी है, उस स्थिति में अगर पोस्ट रहेंगे तो उनके पैर गल जाएंगे, हाथ गल जाएंगे, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर उनको सेवेंथ पे कमीशन और उनको सही पेंशन न मिली तो उनके परिवारों को हम न्याय नहीं दिला सकते। वन रैंक वन पेंशन पे भी आज तक आप डिसीजन नहीं ले पाए। वन रैंक वन पेंशन पे क्यों नहीं आपने डिसीजन लिया? आप अब तक डिसीजन लेते, बहुत से यहाँ पे हुआ, मिलिट्री वाले गए, आपने जाके तमाम इंश्योरेंस दे दिए, लेकिन क्या उनको सही रूप से आज मिला? आज भी वन रैंक वन पेंशन पे कोई निर्णय नहीं हुआ। आखिर क्यों ऐसा है? कम से कम इस देश को कहीं ना कहीं से तो सुरक्षित रखिए। इस देश में कोई ना कोई मानिक ऐसे लोग लिए रखिए जो लगे कि हाँ हम लोग भी अगर यहां पर हैं तो। एक चीफ मिनिस्टर पूर्व प्रवक्ता ने सुसाइड किया, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सुसाइड किया, अगर उनका सुसाइड नोट आप इस सदन में पढ़ दें तो मैं समझ जाऊंगा सरकार में बहुत हिम्मत है। मैं तो चाहूंगा उन पूर्व मुख्यमंत्री जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं थे, उनके सुसाइड नोट को अगर इस सदन में पढ़ दिया जाए शायद देश के सामने बहुत चीजें निकली, फिर हम लोगों पे आरोप शायद नहीं लगेंगे, फिर पता लग जाएगा कहां पर क्या है। लेकिन नहीं हिम्मत कर पाएंगे आप, नहीं करेंगे। मैं उन नामों को नहीं कर सकता हूं। मैं अंत में खत्म होकर करते हुए यहां चल रहा हूं, किसानों की कर्ज माफी हम लोगों ने उठाया, उस दिन वित्त मंत्री जी ने कह दिया हम तो नहीं करेंगे, हम तो इस बारे वेट कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया राज्यों पर है, हो सकता हमारे स्वामी जी गोरखपुर गए हैं लौट के कुछ किसानों का कर्जा माफ करते, हम वेट कर रहे हैं, आपने राज्यों पे छोड़ दिया है। लेकिन एक राज्य में अगर माफ हुआ तो आगे पूरे देश में लगेगी, या आपको लीजिए कोई राज्य माफ करने की, अगर एक राज्य ने माफ किया तो आगे, क्योंकि महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा किसान तो वहां, तमिलनाडु सबसे ज्यादा किसान तो आत्महत्या वहां पर कर रहा, आप क्यों नहीं करेंगे? आप इतना बड़े विजय माल्या पे 9,000 करोड़ के लिए छूट दे सकते हैं, एक वो मोदी है उन्हें आप जितनी चाहे छूट दे दे, तमाम पूंजीपतियों को रोड बैंक से उनका एनपीए माफ किया जा रहा है, लेकिन आप किसानों पे, ये हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठे हैं तो जिंदगी भर किसानों की बात करते रहे, लेकिन कितना 1,00,000 करोड़ तो पड़ेगा आप पे बर्डन, इतना तो पेट्रोलियम में हर साल बच रहा है आपको क्रूड ऑयल सस्ते होने के नाते। आज इस सदन में जवाब देते वक्त घोषणा कर दीजिएगा कि हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं। मैं समझूंगा श्रेय आपको मिला, लेकिन कम से कम देश के किसानों के प्रति न्याय तो हुआ। गरीब किसान, बेरोजगार कोई नहीं, इतने कितने बेरोजगार, बेरोजगारी की संख्या क्या,
आपने 2 करोड़ नौकरी देने कहा था, एक आदमी को नौकरी आपने नहीं दी। बेरोजगारी की संख्या रोज बढ़ रही है, बढ़ रहा है। हाँ, रोज रेलवे आपने बंद कर दिया, एयरपोर्ट बंद कर दिया, प्लेन में नौकरी बंद कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने लगे, मनरेगा को अपनी नौकरी मान ली, तो क्या होगा? और देश में एक वर्ग को अलग मत करिए। आपने कह दिया हज में, अब जो हज में जाएगा उसको उत्पैन अनिवार्य होगा। ये नया कानून एक आपका बन गया। मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि जो देश के सामने वास्तविक समस्या है, अगर उनसे निपटने के लिए आप आगे नहीं आए, देश के सामने जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को बदलने के लिए हम आगे नहीं आए। इतना बहुमत आपको मिला है, हम तो कहते हैं आप इन चीजों को लाइए, यहां मत डरिए, आपका बहुमत नहीं। हम सब देश हित में अपने पार्टी के एजेंडे से अलग देश के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन आप तो लाइए तो किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, दलितों, आज ही उठा कि तीनों आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जात आयोग, तीनों आयोग के न अध्यक्ष न मेंबर, आप 80% आबादी को उपेक्षित कर देना चाहते हैं, समाप्त के लाचार कर देना चाहते हैं। नरेश जी, आप आरएसएस के एजेंडे को कि देश में आरक्षण खत्म हो उसको थोपना चाहते हैं, हम सब इसका विरोध करते हैं। और आपने अगर ऐसी कोशिश की तो अपर हाउस से ठीक है, फाइनेंस बिल बना लीजिए, लेकिन आवाज बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए ठीक है, एक बात जान लीजिए, मोमबत्ती की लौ हो सकता रोशनी न ज्यादा दे, लेकिन मोमबत्ती की लौ की जब आग लगती है तो फिर बड़े बड़े भस्म हो जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस बिल का जब जवाब देंगे तो कम से कम इन पे कुछ निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री।